कुछ टॉपर तो एक और सवाल आया है आकाश का, व्हाट्सएप पर सवाल हमें आया है टाटा एलेक्सी पर, और स्टॉक में भी ऐसा ही कुछ मोमेंट देखने को मिला, जब चला तो काफी अच्छा चला, 10,000 तक के लेवल्स भी हमने ऊपरी स्तरों पर देखे, लेकिन फिर जब गिरना शुरू हुआ तो गिरावट भी काफी ज्यादा देखने को मिली और अब 5,000 से नीचे भी फिसल गया था ये स्टॉक, बट आकाश जी ने काफी अच्छे लेवल्स पर एंट्री ली। अभी पहले की खरीद है या फिर इन्होंने हाल फिलहाल में गिरावट में एंट्री ली है, ये तो अभी नहीं संपर्क हो पाए इनसे, लेकिन काफी अच्छा मुनाफा इनको इस स्टॉक में हो रहा है इस शेयर में, और 6,390 के आसपास टाटा एलेक्सी इस वक्त कारोबार भी कर रहा है। कुणाल, सजेस्ट क्या करेंगे इन्हें टाटा एलेक्सी में? मुनाफा तो शानदार हो रहा है और रैली के लिए रुके, क्योंकि आज के आज ही हम देख रहे हैं कि करीब करीब 100 पॉइंट्स चल चुका है, 1.5% ऊपर है। सजेस्ट क्या करेंगे, बने रहना चाहिए इनको इस स्टॉक में या फिर निकल जाए मुनाफा लेकर? पूजा, मैं यहाँ पे थोड़ी एक लंबी अवधि का चार्ट देखना चाहूंगा, और अगर मैं देखूँ तो सितंबर 2021 में ये काउंटर ने एक 5,500 के लेवल पे एक अच्छी सी सपोर्ट बेस बनाई थी, और ये बेस करीब करीब दिसंबर 2021 तक होल्ड की थी। वहां से हमने एक बहुत ही अच्छी रुझान देखी ये काउंटर में 10,700 तक की, और अभी देखिए ये फिलहाल जब गिरा था तो ये काउंटर 5,500 के लेवल पे ही रुका है और वहीं से रिवर्सल दिखा हुआ है। और अगर आप देखिए तो ये काउंटर एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड काउंटर है और यहाँ से इसमें रैली शुरू हुई है। सो अगर हमारे व्यूअर के पास थोड़ी सी होल्डिंग कैपेसिटी हो तो 6,050 के स्टॉप लॉस से इस काउंटर में बने रहने की सलाह होगी। यस, स्टॉप लॉस थोड़ा सा लंबा है प्रेजेंट लेवल से, बट इसका जो टारगेट मुझे लग रहा है वो है करीब करीब 7,000 के लेवल का। 7,000 पे पहुंचेगा तो हम रिविजिट करेंगे, इसमें नई स्ट्रेटेजी सेट करेंगे, बट फॉर टाइम बिंग इस काउंटर में बने रहे, एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड काउंटर है और वहां से अगर रिवर्सल आता है तो हमें ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए।